दसवीं, एकादशी और द्वादशी, इन तीन तिथियों पर एक रोटी में थोड़ा सा मीठा रखकर सोमप पितृ का नाम लेकर यदि गाय को खिला दिया जाता है, तो अगर कोई पूर्वज प्रेत योनि में भी पड़ा हुआ होता है, भटक रहा होता है, जिसको पिंड नहीं मिला, जो अचानक मर गया होता है, अधोगति में चले गया होता है, उस जीव की मुक्ति दसवीं श्राद्ध पक्ष की, एकादशी श्राद्ध पक्ष की और द्वादशी श्राद्ध पक्ष की, ये तीन दिन सोमप पितृ का नाम लेकर रोटी में पूड़ी में। अगर नदी तालाब बावड़ी कुआं नहीं है तो पीपल का वृक्ष हो या बेलपत्री का वृक्ष हो या बट का वृक्ष हो, उसके नीचे लगा दो प्रदोष काल में। पर अमावस्या के दिन लगाएं जरूर। क्यों? क्योंकि अमावस्या 16 दिन तक पितृ मृत्यु लोक में आने के बाद में भोजन ग्रहण करते हैं। अमावस्या के दिन पितृ शाम के समय प्रदोष काल में शंकर भगवान का नाम जाप कर नदी तालाब बावड़ी पर पानी पीने जाते हैं। वहां से जल का आचमन कर पितृ अपने लोक को चले जाते हैं प्रदोष काल के समय पर। इसलिए प्रदोष काल में जलाशय के पास में बावड़ी कुआं नदी तालाब के किनारे पर दिया लगाया जाता है। चैनल की जानकारी आपको अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय। और एक बात और अच्छे से ध्यान रखिएगा, आप ब्राह्मण को भोजन कराएं ना कराएं, आपने धूप छोड़ी ना छोड़ी वो पता नहीं, गाय को रोटी दी ना दी, स्वान को भोजन दिया ना दिया, कौए को भोजन दिया ना दिया, चलेगा। पर अमावस्या के दिन पितृ पक्ष समाप्त हो उस दिन प्रदोष काल में प्रदोष के समय पर शाम के समय पर जाकर किसी भी नदी तालाब बावड़ी कुआं कहीं ना कहीं जो आपके पास में हो वहां पर एक घी का दिया बत्ती का मुंह दक्षिण की ओर कर अवश्य जला कर जाना, सारे पितृ दोष समाप्त हो जाएगा। आपके गांव में आपके नगर में हो कब की है, जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने लोग इस कथा पंडाल में जो दिल लगाकर और ध्यान लगाकर सुन रहे हैं, आप लोगों से निवेदन, प्रयास करना, एक सफेद पुष्प एक श्वेत पुष्प बाबा देवाधिदेव महादेव को 13 अक्टूबर को अगर शिवरात्रि है तो श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि के दिन बाबा देवाधिदेव महादेव को एक सफेद पुष्प समर्पित कर देने पर अपने मन की कामना कर बाबा देवाधिदेव महादेव 3 महीने वो कामना पूर्ण करता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने प्रियजनों के साथ यह वीडियो शेयर करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। महादेव आपकी मनोकामना सदैव पूर्ण करें। 16 श्राद्ध में, श्राद्ध पक्ष में जो लोग गया जी नहीं जा सकते, ब्रह्म कपाली करने नहीं जा सकते, किसी जलाशय पर जाकर तर्पण तिलांजलि नहीं कर सकते, तो गरुण पुराण कहती है 16 श्राद्ध में 16 दिन तक गया फाल्गुन नदी का पूरा पुण्य, गया सुर का मुख का हस्त कमल का पूरा पुण्य गाय माता के मुख में आकर विराजमान हो जाता है। 16 श्राद्ध में गाय को एक रोटी अगर दी जाती है तो गया जी में पिंड दान करने का पूरा पुण्य फल जीव को प्राप्त। चैनल में दी गई जानकारी सही लगे तो सभी को शेयर करें और आप नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। हर हर महादेव। आप लोगों से निवेदन, प्रयास करना, एक सफेद पुष्प एक श्वेत पुष्प बाबा देवाधिदेव महादेव को 13 अक्टूबर को अगर शिवरात्रि है तो श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि के दिन बाबा देवाधिदेव महादेव को एक सफेद पुष्प समर्पित कर देने पर अपने मन की कामना कर बाबा देवाधिदेव महादेव 3 महीने वो कामना पूर्ण करता है।